यही बीजेपी के लोगों की गुंडागर्दी है, इनको जब ये समझते हैं कि ये हारने की कगार पर है तो इस तरीके की ये गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, ये हाल होगा क्या उत्तर प्रदेश का? नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं जिस प्रतिमा के पास खड़ी हूँ ये बाबा साहेब की प्रतिमा है और इन्होंने एक अधिकार जो सबको दिया वो था वन वोट वन वैल्यू। अब ये वन वोट वन वैल्यू आज के संदर्भ में, आज जब चुनाव हो रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य में, सबसे बड़े सूबे में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और उत्तराखंड में भी हालांकि चुनाव है लेकिन सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पर हैं और उत्तर प्रदेश पर दूसरे चरण का आज चुनाव हो रहा है जिसमें 55 विधानसभा सीटों पर आज लोग मतदान करने वाले हैं। लेकिन लगातार पहले चरण के चुनाव में भी आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि बहुत से जगहों पे, बहुत से पोलिंग बूथ पे जो ईवीएम मशीनें थी वो घंटों तक काम नहीं कर रही थी, लोग परेशान रहे, लोग वोट नहीं डाल पाए। उसके अलावा कई ऐसी खबरें भी आई जिसमें ये पता चला कि जो पोस्टल बैलेट था उसके ज़रिए लोगों के वोट डाल दिए गए और बाद में उन्हें वोट डालने को नहीं मिला। इस तरीके की खबरों के बीच अब दूसरा चरण पहुंच चुका अपने नतीजे तक और आज जब दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक वैसी ही कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अब इसमें बीएसपी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सीमा कुशवाहा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है बीएसपी की ओर से, जानी मानी वकील भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अहम खुलासा किया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावों को निष्पक्ष तौर से कराया जा रहा है। उनका एक वीडियो जो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया जिसमें वो एसडीएम से बात करती हुई नज़र आई और उन्होंने बताया कि किस तरह एक सीट जो है वो शाहजहाँपुर जो ज़िला है उसकी एक सीट है तिलहर सीट पर, किस तरीके से वहाँ के एक बूथ पर एक दबंग अवधेश सिंह जो बीजेपी के बिहार से एमएलए हैं हाजीपुर से, उन्होंने किस तरीके से अपनी दबंगई दिखाकर वहाँ के दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको डरा धमकाकर बीजेपी के फेवर में वोट डलवाए उन लोगों से। इसकी कंप्लेंट जब उन्होंने एसडीएम को की तो एसडीएम ने उन्हें बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है और उनके वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी नियुक्त हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सोचिए, उन्हें जानकारी है, वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी है पर वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, इस बात की वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। जब सीमा कुशवाहा ने उनसे कहा कि आपने उन्हें अभी तक डिटेन क्यों नहीं किया या उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा हम देखते हैं, आप निश्चिंत रहिए। उनका ये वीडियो आप देखिए और खुद तय करिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निष्पक्ष, फेयर और फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इस तरीके से अगर भाजपा जीत जाती है उत्तर प्रदेश में तो इस जीत का जश्न मनाना उनके लिए शोभनीय होगा। तो कुछ इस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं और शायद इन्हीं आधारों पर 300-350 पार के दावे किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के उत्तर प्रदेश में यहाँ चुनाव जो है वो फेयर हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो आज सुबह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू लगभग हर चैनल पर धड़ल्ले से दिखाया जा रहा था। ठीक चुनावों से पहले सुबह सुबह इंटरव्यू आता है और उसको सभी चैनल दिखा रहे होते हैं, ये इस तरीके का फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इस पर हम आपको क्या ही बताएं, ये वीडियो आप देखिए सीमा कुशवाहा का और उसके बाद खुद तय करिए कि किस तरीके के जो फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं वो कहाँ तक जायज़ हैं और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज कर रहा है। जिस क्षेत्र के अंदर जो वोटिंग वगैरह के लिए दबंगों ने दलितों को रोका है वोट वगैरह डालने के लिए, तो उस पर्पस पर वो बात करना चाह रही हैं, तो एक बार लीजिए उनसे बात कीजिएगा। हेलो, एसडीएम साहब नमस्कार। ये विधानसभा है 133 तिलहर और यहाँ पर ये अवधेश सिंह हैं जो कि बीजेपी से हैं। हाँ, ये गाली गलौज कर रहे हैं, वहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं वो वोट डाल, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बूथ नंबर 146 यस करवाया है जी, और इसमें मैंने चेक भी करवाया, अभी वहाँ पर पुलिस ने डिप्लॉय कर दी और मेरा एक मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर है और मौके पर मौजूद, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे हम। नहीं तो ये समस्या तो आ चुकी है तो इनको आप डिटेन करके डालिए क्योंकि ये तो शाम 5 बजे तक चुनाव होने, अगर ऐसे अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर ये बदमाशी करेंगे। अवधेश सिंह का मैं बोलती हूँ, इसका नाम एग्जैक्टली मुझे वो नहीं था लेकिन ये समस्या आई थी।
तो हमने वहाँ पर जी जी अवधेश सिंह है और गाली गलौज करे सर, ये तो बहुत मतलब आप समझिए कि किस तरीके का ये मैटर है कि लोग अपना वोट नहीं डाल सकते। नहीं मैं दिखवा रहा हूँ, इसको दिखवाइए फिर लोगों से मैं बात करूंगी कि वहाँ पर कि अभी माहौल ठीक हुआ या नहीं सर। मैं ओके 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 एसडीएम साहब बोल दीजिए मैम, इस पे मैटर क्या है? देखिए मैटर जो है वहाँ पर विधानसभा है 133 तिलहर शाहजहांपुर में, जहाँ पर बूथ है 146 बूथ संख्या 146, वहाँ पर दलित समाज के जो भाई हैं माता बहन है वो वोट डालने गई, अवधेश सिंह जो है वहाँ वोट नहीं डालने दे रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो वही हमारी एसडीएम साहब से बात हुई कि प्रशासन कर क्या रहा है, और इस टाइम जहाँ पर मीडिया जहाँ सोशल मीडिया हर कोई कुछ भी कर सकता है, ये आदमी कितना दबंगई दिखा रहा है वहाँ पर जाकर के, उसकी इस हद तक कि ये वोट नहीं डालने देगा। ये यही बीजेपी के लोगों की गुंडागर्दी है, इनको जब ये समझते हैं कि ये हारने की कगार पर है तो इस तरीके की ये गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ये हाल होगा क्या उत्तर प्रदेश का? फिर कैसे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? इस पे तो तुरंत इमीडिएटली एसडीएम डीएम को एक्शन लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे संविधान का प्रावधान है संविधान में कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, चाहे एक व्यक्ति का भी वोट का अधिकार है वो भी फेयर तरीके से डाले वोट। लेकिन ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये बीजेपी सरकार जो है इसी तरीके की गुंडागर्दी से अपनी सरकार बना दी और सत्ता में आती है, इसको इमीडिएटली इनको एसडीएम को और इन सबको एक्शन लेनी चाहिए, नहीं इनकी शिकायत हम लोग इलेक्शन कमीशन में करेंगे और इलेक्शन कमीशन तक भी ये बात पहुंचे तो इनको तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेने चाहिए।